चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर में मालदीव्स के पास गिर गया। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ था। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट ये भी कह रहे थे कि ये किसी भी समय कहीं भी गिर सकता है। अच्छी बात ये रही कि रॉकेट के अंशों से किसी को नुकसान नहीं हुआ। भारतीय समय अनुसार ये घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई। चीन का ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है। इसका वजन करीब 21 टन है। पिछली साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव को इस रॉकेट ने बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस गांव में कोई नहीं रहता था। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक इसके गिरने का समय 11 PM GMT यानी भारतीय समय अनुसार 9 मई की सुबह 4:30 बजे के आसपास। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ये 8 घंटे पहले या बाद में कहीं भी गिर सकता है। चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B Y2। फिलहाल ये रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी ये धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट के इस कोर की चौड़ाई 16 फीट है। चीन ने ये रॉकेट 28 अप्रैल अपने टियानहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। ये एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। जमीन पर मौजूद अलग अलग देशों के राडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए थे, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि ये धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मचा देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन करीब 19.6 टन यानी 17,800 किलोग्राम है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सैल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसने अर्जेंटीना में तबाही मचाई थी। जोनाथन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5B Y2 का कोर अमेरिका के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फाल्कन 9 रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपर आसमानी आतिशबाजी की थी, लेकिन ये समुद्र में गिरा था। जोनाथन ने आशंका जताई कि ऐसी ही आसमानी आतिशबाजी लॉन्ग मार्च 5B Y2 भी कर सकता है अगर ये रात में गिरा तो। चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम है टियानहे यानी स्वार्गिक सद्भावना। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडरा रहा है वो पहली उड़ान थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। पर कुछ भी हो दोस्तों, चीन की कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, और इस बारे में भारत से ज़्यादा कौन जानता है।